हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, कैन एनीवन कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल? ओके फाइन. सो आई विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. लाइक आई विल वेट टिल 13:17 एंड देन विल स्टार्ट. एंड गाइस, इफ यू कैन शेयर दिस वीडियो प्लीज डू इट सो दैट पीपल कैन गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. एंड थोड़ा सा मेरे को भी लाइक्स वगैरह आ जाएगा. एंड किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे चैट में लिखते रहना सो आई कैन आंसर दोज क्वेश्चन. यू कैन स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन टिल द टाइम आई स्टार्ट. आई कैन आंसर कपल ऑफ क्वेश्चन. यस, ये रिजल्ट सबमिट करना होता है डेविड. देन दे विल असेस वेदर यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ और नॉट एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट द एडमिशन इन जेडी. सॉरी, इट्स ओके. फाइनल ईयर चलेगा तो भी ठीक है. यू विल गेट सम टाइम टू सबमिट रिजल्ट्स फॉर द फाइनल ईयर एग्जाम. So anyway, I'll start the session. Actually, मेरा खुद का कॉलेज था तो मेरे को खुद टाइम नहीं मिलता था. सो आई हैव स्टार्टेड यूट्यूबिंग नाउ अगेन. सो एनी वे आई स्टार्ट द सेशन. सो द पेपर, लेट मी टेल यू, द पेपर वॉज समवेयर अराउंड ईजी टू मॉडरेट लेवल. आई वुड से अ गुड अटेम्प्ट वुड बी अराउंड 150, 145 to 150. एंड इन माई ओपिनियन, एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, द कट ऑफ विल बी समवेयर अराउंड 140 to 145 फॉर JBIMS. हाँ, प्लेसमेंट हो गया बट वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज अभी तक कंपनी ज्वाइन नहीं किया हम लोग. तो थोड़ा दिन वेट करना. यू कैन फॉलो माई लिंक्डइन, वहाँ पे आ जाएगा कहाँ पे प्लेस हुआ.
So Blaze, good attempt would be around 150 to 150, more than 150, इतना तो आ जाना चाहिए। यहाँ तक अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा है, मे बी आगे जाके कम ज़्यादा हो सके क्योंकि मेरे को और क्वेश्चंस भी याद आएंगे, बट एज ऑफ नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ 150, 160 एंड कट ऑफ विल बी अराउंड 140 टू 145 इन माई ओपिनियन। सो आई विल स्टार्ट विद एल आर, कैसा था एल आर पेपर, सो विल सी टू इट। उसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, टोटल 8 क्वेश्चंस थे कोडिंग डिकोडिंग के, एंड एक और न्यू टाइप का कोडिंग डिकोडिंग था इन विच ब्लड रिलेशन वॉज गिवन। इट वॉज लाइक ए मल्टीप्लाइड बाई बी, मतलब ए इज सन ऑफ बी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ऐसे में 3 का सेट था एक। सो फ्रॉम हियर कोडिंग डिकोडिंग से 11 क्वेश्चंस आ गए थे। देन डायरेक्शन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन थे। मिसलिनियस अल्फाबेट्स से ये कैसे टाइप के क्वेश्चन थे, आई मीन टू से लाइक क्या बोलते हैं, सीक्वेंस है ये वाला सीक्वेंस था, CBX समथिंग एंड लाइक दिस, हाउ मेनी टाइम्स ए अपियर्स इन विच इट इज़ फॉलोड बाई बी एंड प्रिसीडेड बाई जेड, ऐसा कुछ था। तो ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन थे। देर इज वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, मेरे को वो क्वेश्चन टाइप याद नहीं आ रहा था। नहीं एक्चुअली ब्लेज मैंने सारे अच्छे से कैलकुलेट किया था, सो यू इफ यू कैन सी, मैं बाद में सारे कैलकुलेशन बताऊंगा कितने सारे क्वेश्चन थे, आई हैव एग्जैक्ट डिटेल्स। सो इतने ही क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के, 8 प्लस 3 11, डायरेक्शन के 6। हाँ कोडेड ब्लड रिलेशन ये वाला पार्ट था। देन वो क्वेश्चन टाइप को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, एक था मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, लाइक ए इज टू बी देन सी इज वॉट, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता। सो देर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस। देर इज अनदर मिसलेनियस क्वेश्चन इन विच लाइक इफ ए इज बी, बी इज सी, देन वॉट इज बी एंड समथिंग लाइक दैट। सो ये एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन था, एनोलॉजी, या एग्जैक्टली। ओके देन असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन थे, विच कम्स अंडर क्रिटिकल रीजनिंग, ये टोटल 3 थे। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी ई टी फॉर नेक्स्ट ईयर, यू कैन टेक दिस एज अ बेंच मार्क कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैलेंडर से एक क्वेश्चन था, आई गेस वो फ्राइडे वाला था, फ्राइडे से ट्यूसडे जाना, ट्यूसडे से देन वी हैव टू फाइंड 21 डे समथिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सो कैलेंडर से एक क्वेश्चन था। देन मिसलिनियस अरेंजमेंट था, एक अरेंजमेंट क्वेश्चन था लेकिन वो सिंगलेट था, सो लाइक दिस 1 क्वेश्चन। देन कोर्स ऑफ एक्शन था, इट वॉज देयर वर 2 क्वेश्चन ऑफ दैट। हाँ संडे था उसका क्वेश्चन, क्यूब्स एंड डाइसेस नहीं था, क्लॉक्स आता हूँ, क्लॉक्स पे आता हूँ मैं, है वो सब। ऑड मैन आउट था इसमें, ये कोर्स ऑफ एक्शन। ऑड मैन आउट में 4 क्वेश्चन थे, जनरली ये अल्फाबेट में था क्वेश्चन, ऑड मैन आउट लाइक ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड एंड पी आर एस, इसमें से कौन सा ऑड मैन आउट था, तो ये दिस कम्स अंडर अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल ऑड मैन आउट। देन सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन थे इसमें, सीक्वेंसेस थे इसमें, टोटल 8 सीक्वेंसेस थे, मतलब ए बी सी डी ई, नेक्स्ट सीक्वेंसेस एफ जी एच आई जे, ऐसे कुछ सीक्वेंस दिए गए एंड वी हैव टू फाइंड द लास्ट वन। तो ऐसे टाइप के 8 सीक्वेंसेस के क्वेश्चन थे। क्लॉक का एक क्वेश्चन था, देन एक मिसलिनियस नंबर्स के 2 क्वेश्चन थे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था एग्जैक्टली, स्टार्टिंग से एक बंदे का रैंक इज 18th आउट ऑफ 49 स्टूडेंट, तो लास्ट से उसका रैंक कितना होगा। सो दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था। एंड द सेकेंड क्वेश्चन वॉज, इसमें सेकेंड क्वेश्चन था, एक पर्सन है उसका रैंक 7 फ्रॉम टॉप है एंड 16 फ्रॉम बॉटम है, तो उसका तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे।
तो ये मिसलेनियस में आ गया। फिर लीनियर अरेंजमेंट का एक सेट आया था जो छोटा सा था, जिसमें एक ही क्वेश्चन था, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस नहीं थे। एब्स्ट्रैक्ट का डिफिकल्टी लेवल आई वुड से मॉडरेट, क्योंकि उसमें एक आध क्वेश्चन थे जो नहीं बनते बने मेरे से। सिलॉजिज्म का एक था जो कि बहुत ही बेकार था, आई वोंट इवन कंसिडर इट एज सिलॉजिज्म। देन एक अजीब सा एक मिसलेनियस क्वेश्चन था, मेरे को वो समझा नहीं। ऐसा कुछ सीरीज दिया था 18, 16, 16, 14, 13, 11, 12, 144। इसमें कुछ दिया था कि डिफरेंसेस निकालना, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे वर टॉकिंग अबाउट। डेटा सफिशिएंसी के दो क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन अगर किसी को समझ आएगा तो बताना, मेरे को एग्जैक्टली पेपर में समझा नहीं था ये क्वेश्चन। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का एक क्वेश्चन था, पजल आए थे टोटल, एक ही पजल था जिसमें तीन क्वेश्चंस थे। एंड सरप्राइजिंगली इस बार एल आर में वो आया था, मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। फॉर एग्जाम्पल टोटल कितने क्वेश्चन थे, एक 8 क्वेश्चन थे मैथ्स के। एक क्वेश्चन था उसमें वी हैव टू फाइंड अ नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाई 2, 3, 4 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 एंड इट इज डिविजिबल बाई 5। इसका आंसर था आई गेस 25, सॉरी हाँ 25 ही था। सो दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वांट का क्वेश्चन था, वो था हेंस एंड काउस का था। आई मीन टू से लाइक नंबर ऑफ लेग्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ हेड्स दिए हुए, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ काउस था शायद। सो उसका आंसर आई गेस 7 था, नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो है 7 है। एक पीएनसी का क्वेश्चन था जिसमें लाइक वी हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर समथिंग, यूज 4 डिजिट था कि 3 डिजिट था, यूजिंग द नंबर 8 समथिंग ऐसा कुछ था। सो देर वॉज वन पीएनसी क्वेश्चन इन दिस एल आर। एक और क्वेश्चन था जिसमें टोटल 324 कॉइन्स दिए थे एंड दिस कंसिस्टेड ऑफ 20 पैसा एंड 50 पैसा एंड टोटल 71 रुपीज़ था। सो वी हैव टू फाइंड 20 पैसा कितने थे, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था इनफैक्ट। देर वॉज दिस क्वेश्चन अगेन, हाँ मेरे को भी वो क्वेश्चन समझा नहीं था ये वाला, क्या पूछना चाहता है। देर वॉज दिस क्वेश्चन ऑफ एज जिसमें एक पर्सन था जिसका प्रेजेंट एज ट्वाइस ऑफ अनदर पर्सन एंड 3 साल पहले उसका ऐसा इक्वेशन बनता था। सो वी हैव टू फाइंड दिस एज। पीएनसी का 11 था आई गेस, हाँ ऐसा लग रहा है मेरे को, नॉट श्योर, मेरे को थोड़ा सा क्लिक हो रहा है। फिर एक और क्वेश्चन था जिसमें बताया था कि देयर इज दिस नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट्स इज 11, अगर ये नंबर को मैंने 27 से ऐड किया तो ये नंबर रिवर्स हो जाता है। सो दिस वाज वन ऑफ दिस क्वेश्चन। 47 था इसका आंसर अगर। हाँ 47 था इसका आंसर, दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड एक और क्वेश्चन था जिसमें दिया था कि इन बिटवीन 11 टू 50 कितने नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 7 है बट नॉट बाय 3। इसका आंसर 4 था। एंड वन लास्ट क्वेश्चन वॉज देयर फॉर दिस वॉज इन प्रोबेबिलिटी, मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं था क्या है, बस प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। बस इसमें से ये टोटल 75 क्वेश्चन आई गेस हो गए होंगे। मैंने आई गेस ये तीन एक क्वेश्चन लिख मिस किया मैंने, मेरे को समझ नहीं आया मैंने यहाँ पे क्या लिखा मेरे पेपर में, 3 क्वेश्चन मैंने मिस किया। एनी वे ओवर हियर यू कैन फाइंड 72 एटलीस्ट, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17, 17 19, 21
22 प्लस 6 28 29 30 देन सीक्वेंसेस के 8 38 45 46 47 47 एंड 48 48 फिर यहाँ से 51 54 55 56 57 58 59 60 61 62 एंड थोड़े बहुत मैंने शायद से मिस कर दिए होंगे। हाँ, लीनियर अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया लिखना, जो दो का सेट था, दो क्वेश्चन का सेट था, ये मैंने मिस कर दिया। मैंने ये नोटिस नहीं किया ललन कौन सा ऑप्शन थे मैक्सिमम, मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। ब्लड रिलेशन के आगे 100 क्वेश्चंस थे, मैंने कितने लिखे यहाँ पे ब्लड रिलेशन के, और 6 क्वेश्चंस थे, तीन तीन के दो सेट्स थे। हाँ, सो यू वर राइट, ब्लड रिलेशन का और क्वेश्चन था। 62 प्लस यहाँ पे 68 एंड 71 72 तो 73 बन रहा है यहाँ से। सो आई मिस दिस क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। सो टोटल अप्रॉक्सीमेटली मैंने 72 क्वेश्चन 73 क्वेश्चन देख लिए यहाँ से। सो दिस इज ऑल अबाउट एल आर सेक्शन। इन माई ओपिनियन अगर तुम जे बी एम एस टारगेट कर रहे हो सो अप्रॉक्सीमेटली 55 टू 60 क्वेश्चन यहाँ से बनने चाहिए एल आर से, इतने ईजी थे। एंड इफ यू आर टारगेटिंग सिम्सरी तो 50 से 55 एंड फिर आप थोड़ा थोड़ा नीचे करते जाना जो भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट एल आर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन एल आर देन यू कैन आस्क। I'll now jump into abstract. Abstract में एक mirror image वाला question था। Series completion के 13 questions थे। इस बार ऐसे वाले series भी आए थे, यहाँ पे कुछ दिया था, यहाँ पे कुछ दिया था एंड ये वाला question mark, तो ऐसे वाले बहुत सारे questions आए थे एंड normal जो series आता वो भी आता था लाइक 3-4 यहाँ पे कुछ बना रहेगा एंड ये लास्ट वाला क्या एब्स्ट्रैक्ट में। देन ऑड मैन आउट था, टोटल 9 क्वेश्चंस। रिलेशनशिप वाला मतलब एनोलॉजी वाला क्वेश्चन था एक एंड एक पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन था। 23, 24, 25 सो टोटल 25 क्वेश्चंस फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट। आई वुड से इफ यू आर टारगेटिंग जेबीएमएस सो 22 तक तो आना चाहिए इसमें एंड सिडनम के लिए 20। दिस इज फॉर जे बी, दिस इज फॉर सिडनम। एंड इस बार क्वांट के क्वेश्चंस काफी अच्छे थे। सो नाउ आई विल जंप इनटू क्वांट। टाइम एंड वर्क से टोटल 3 क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 7, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 5, परसेंटेजेस से 5, एवरेजेस से 2, स्पीड मैथ्स इस बार आया टोटल 3 क्वेश्चन। हाँ, क्वांट में सी अगर तुम्हें शॉर्टकट्स पता है कैलकुलेशन के, फॉर एग्जांपल स्पीड मैथ्स में क्या बोलते हो उसको, डिजिटल सम वाले कॉन्सेप्ट पता है तो जल्दी से हो सकता है। रेशियो के 4 क्वेश्चंस थे, रेशियन प्रोपोर्शन इस बार ऐसा वाला क्वेश्चन था, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना था, एक क्वेश्चन था जिसमें यू हैव टू डू दिस ओनली, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो यहाँ से डी का वैल्यू फाइंड करना है, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, वी हैव टू फाइंड द फोर्थ नंबर। देन एज वाले जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं एज के,
इसमें तीन थे, एक कुछ एक मिसेलिनियस नंबर था क्वेश्चन, वो एक था, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन था, नंबर्स से टोटल दो क्वेश्चन थे, नंबर चैप्टर से, फॉर एग्जांपल रिमाइंडर वाले चैप्टर से, देन SICI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से चार क्वेश्चन थे, वेरिएशन चैप्टर से एक क्वेश्चन था, वेरिएशन से वो था एक काउ ने इतना कुछ ग्रेस किया इतने दिनों में, वो वाला क्वेश्चन था, एंड ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट था थोड़ा सा। फिर APGP से दो क्वेश्चन थे, सो देयर वॉज दिस क्वेश्चन इन टाइम स्पीड डिस्टेंस जो APGP के कॉन्सेप्ट से बनता था। फॉर एग्जाम्पल उसमें दिया था कि एक पर्सन था जो एक्स, मतलब एक्स नहीं था, कुछ वैल्यू था वहाँ पे, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट वैल्यू, तो मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ एक्स। आफ्टर एवरी आवर इट इज ही इज इंक्रीजिंग द स्पीड बाई 2 किलोमीटर्स, तो ये बेसिकली AP का क्वेश्चन था, एंड समथिंग 12 आवर्स या 10 आवर्स के बाद उसका टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालना था। सो मैंने इसको यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस में काउंट किया, बट बेसिकली वो APGP का क्वेश्चन था। कट ऑफ में बाद में आता हूँ मैं युक्ता। क्वेश्चंस दो गलत जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, एक में तो एक ऑप्शन गलत था, ऑप्शंस इनकम्प्लीट था इन LR सेक्शन, LR था कि क्या था, नहीं एक क्वांट में ऑप्शन कम था जिसमें पूछा था कि एज पूछा था दो पर्सन का, एंड ऑप्शंस में एक ही पर्सन का एज दिया है 14 एंड 20, जिसका एज का डिफरेंस आया था 14 एंड 20, मतलब एज था एंड द डिफरेंस वॉज 6। ये क्वेश्चन का ऑप्शंस गलत थे, एंड दूसरा एक यहाँ पे डायरेक्शन में एक क्वेश्चन गलत था ऑप्शंस, जिसका आंसर √13 आता था, 3 एंड 2 आता था डिस्टेंस, जिसका हाइपोटेनस विल बी 9 + 4, दैट इज √13। मैंने उसमें 3 एंड 4 कंसिडर करके 5 लिया था, थोड़ा बहुत मैं ऐसे रफ कर लेता हूँ टू गेट द आंसर। फिर देन मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन था, इसमें ये क्वेश्चन था कुछ रेशियो दिया था मिल्क एंड वाटर का, उसको रिप्लेस किया, एंड कितने मिक्सचर्स के, कितने मतलब रिप्लेसमेंट के बाद कुछ एक्स एंड वाई हुआ था, आई गेस इसका आंसर 3 था। फिर देयर वाज दिस न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने कभी पढ़ा नहीं, एक मिसलेनियस क्वेश्चन था, फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इन, फेस वैल्यू ऑफ 8 in 4, 5, 8, 9, 2, 6, इसका मतलब क्या मेरे को नहीं पता, सो देयर वाज दिस क्वेश्चन। क्रेडेंशियल हाँ बाद में डालूंगा वो सब, गुड अटेम्प्ट विल बी समवेयर अराउंड 150-155, ऐसा होना चाहिए। एंड DI क्वेश्चन था जो सीधा कॉपी पेस्ट किया था कोई तो बुक से, वो टोटल 5 क्वेश्चन का सेट था। DI 5 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन डुएबल था, मतलब विदाउट एनी कैलकुलेशन कर सकते थे, एंड एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंथी था, चलेगा वो। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 10, 15, 20, 25, 29, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45 and 50, सो टोटल 50 क्वेश्चन इन क्वांट्स। DI में वैसे मतलब फ्लूक माना नहीं होता सारे क्वेश्चन, इट्स लाइक यू हैव टू गेस कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते कौन सा नहीं कर सकते, वो थोड़ा बहुत गेस वर्क आना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द एग्जाम। सो आई वुड से इन क्वांट If you are targeting JBIMS, तो 35+ तो आना ही चाहिए, 35। एक टॉपर को आई गेस 40-42 तक आ जाएगा टॉपर्स को। पजल्स मैंने सॉल्व तो नहीं किया था, आई कैन नॉट से सही था कि गलत था, मैं पेपर सॉल्व करने नहीं गया था एक्चुअली। हाँ आई डोंट नो नॉर्मलाइजेशन कैसे करने वाले वो लोग, आई लिटरली डोंट नो whether they'll consider it as a separate slot or पहले वाले स्लॉट में वो लोग डाल देंगे, आई डोंट नो। सो JBIMS के लिए इसमें 35 marks एंड SIDNEM के लिए 30 से 32 marks। मेल फीमेल PhD वाला क्वेश्चन गलत नहीं था, वो सही था, ये मैंने सॉल्व किया था। ये सही था, एच और सी का पहला आंसर था कुछ ऐसे। एंड लास्टली आई कम टू वर्बल, वर्बल इस बार
थोड़ा सा मतलब हैवी था वो कैब में। एक ईडियम आया था वर्बल में, थ्रो अ स्पैमर, स्पैनर सॉरी, ये वाला ईडियम था उस, ये क्वेश्चन था। आई कैन नॉट से नॉर्मलाइज में कितना हो सकता है बिकॉज आई डोंट नो पहले वाले स्लॉट्स में पेपर का डिफिकल्टी कैसा था, मैंने वो सब वो वाले पेपर दिया नहीं, सो आई कैन नॉट से। सो सिनोनिम था, टोटल 7 सिनोनिम के क्वेश्चंस थे, एंटोनिम के 2 क्वेश्चन थे, वोकैब बेस्ड और 5 क्वेश्चंस थे जिसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स में वोकैबुलरी डालना होता है, फिर ग्रामर, ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स, देयर वर 5 क्वेश्चंस, ग्रामर एरर डिटेक्शन 6, पैराग्राफ क्वेश्चंस थे, मतलब एक पैराग्राफ दिया उसमें से उसका समरी या फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, स्मॉल काइंड ऑफ आरसी, टोटल ऐसे 3 क्वेश्चंस थे। देन देयर वाज दिस क्वेश्चन, स्टडी ऑफ कल्चर इज कॉल्ड व्हाट, ये क्वेश्चन था। फिर देन एक क्वेश्चन था मैन मोटिवेटेड बाय इरेशनल बिहेवियर, मैंने आई गेस 120 कुछ अटेम्प्ट किए होंगे, इट विल नॉट हार्म एनीवन जो जी भी टारगेट कर रहे हैं, एंड थोड़ा रेस्पेक्टेबल भी मार्क स्कोर है, सो चलेगा उसका। सो इसका आंसर, ये एक क्वेश्चन था, इसका आंसर आई गेस फैनेटिक था। देन क्लोज टेस्ट था जिसमें 5 क्वेश्चंस थे, पैरा जंबल था 5 क्वेश्चन थे, एंड आरसी था लास्ट में, एक सेट था जिसमें 4 क्वेश्चन थे एंड द अदर वन हैड 5 क्वेश्चंस, सो टोटल ऑफ 8, 10, 15, 20, 26, 29, 30, 31, 31 एंड 10, 41, 41 एंड 9, 50, टोटल 50 क्वेश्चंस। एंड मैं लिख देता हूँ कौन से क्वेश्चंस क्या बोलते हैं सिनोनिम्स में आए थे, परफिडियस, स्पेलिंग देख लेना मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली, परफिडियस का सिनोनिम था, देन स्परियस, मेरे को भी ऐसा पता नहीं है, देन एक एंटोनिम निकालना था ऑप्रीबियम, हारमोनी का सिनोनिम बसल, ऑस्टेंटेशन का ये सिनोनिम वाला पार्ट है, ये एंटोनिम है, इसका एंटोनिम निकालना, क्विसेंट, ये जो क्वेश्चन था क्विसेंट, ये दोनों क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर टाइम के मॉक्स में देखे थे, विजिलेंट, इसका आंसर था इनडिफरेंस, एंटोनिम निकालना, तो दिस वेर द सिनोनिम एंड एंटोनिम क्वेश्चंस, मैंने आगे से एक दो मिस किए होंगे। एंड इफ यू अटेंड, इफ यू टारगेटिंग JBMS तो यहाँ से 30 मार्क्स आने चाहिए वर्बल से, एंड सिडनेम के लिए 25। सो ऑन एन एवरेज आई वुड से इफ यू आर टारगेटिंग JBMS द कट ऑफ विल बी समवेयर अराउंड 140 to 145 इन माई ओपिनियन। अब ये गलत हो सकता है, मैं लाइव बोल दे रहा हूँ, ये गलत हो सकता है, दिस इज माई गेस, एंड सिडनेम के लिए 135 to 140। टॉपर विल स्कोर समवेयर अराउंड आई गेस 160 में होगा, फर्स्ट रैंकर जो होगा, दिस इज माय परसेप्शन। यार वो फेस वैल्यू वाला क्वेश्चन क्या था मेरे को समझा ही नहीं क्या होता है, वैसे वाला क्वेश्चन देखा नहीं मैंने कभी। गुड अटेम्प्ट विल बी समवेयर अराउंड, गुड अटेम्प्ट विदाउट एनी फ्लूक
140 से 150 और मे बी मोर। पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, यू कैन यू कुड हैव अटेम्प्टेड समवेयर लाइक 160, बट स्टिल लेंथ पेपर का लेंथ एंड कुछ डी आई के क्वेश्चन का लेंथ देख के मैं कंसिडर कर रहा हूँ 140 150। ये बहुत अर्ली स्टेज है कि आई कैन एनी वन कैन गेस प्रॉपरली। अभी लग रहा है तुमको कि सही कह क्या सही कह क्या, लेकिन बाद में याद आएगा थोड़ा बहुत गलत हुआ। सो एनी क्वेश्चन डू यू हैव? ब्लेज बाय द वे मैं डालता हूँ अभी क्रेडेंशियल्स अपना, जब ये अपलोड होगा यूट्यूब में तब मैं डाल दूंगा। सो इफ यू आर एस्पिरेंट फॉर नेक्स्ट ईयर एंड हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी राइट नाउ। I guess no more questions. I can end the session. So anyway, if you have any questions later on, then you can text me on WhatsApp or Telegram. Or LinkedIn में मेरे को follow कर लेना तो वहाँ पे भी reply दे सकता हूँ. Okay guys, let's end this session. Have a good day.